फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल धरतीस रेसिपी। फ्रेंड्स, मैंने चैनल स्टार्ट किया तभी स्टार्टिंग के बहुत सारे वीडियो गुजराती में थे, जिसमें से एक है सुरती उंधियू, जो मेरी चैनल का सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है। अराउंड 5 लाख से भी ऊपर उसके व्यू हो गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वो गुजराती में है और मुझे बहुत सी कमेंट में बताया गया है कि आप इसे हिंदी में रिपोस्ट कीजिए। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सुरती उंधिया इन हिंदी। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा उंधिया में लगता है पापड़ी, सुरती पापड़ी, जो 3 या 4 दाने से भरा रहता है, दाना उसमें कड़क रहता है, और यही पापड़ी हम उंधिया में डालेंगे। लेकिन उंधिया में डालने के लिए ये पापड़ी को हमें खोलना नहीं है, इसका दाना नहीं निकलना चाहिए, साइड से खाली उसका जो रेसा रहता है वो ही निकालना है। फ्रेंड्स, ऐसे ही रेसे उसका निकाल के इसे पूरा ही हमें उंधिया में यूज करना है। अराउंड 250 ग्राम जितना मैंने पापड़ी लिया है और उसको मैंने पानी में भिगो दिया है। अगर इसमें रेसा रह गया तो आप जब भी उंधिया खाएंगे तभी मुंह में आएगा, ये रेसा पकता नहीं है, इसके लिए वो मुंह में आएगा तो वो पसंद नहीं आएगा किसी को, इसके लिए ये हमें अच्छे से निकाल लेना है। उसके साथ हम यूज करते हैं तुअर, ग्रीन तुअर जो मिलता है अभी बाजार में, इजीली अवेलेबल रहेगा ठंडी के सीजनों में तुअर, तो ये तुअर का दाना हमें यूज करना है। ये तुअर को खोल के इसका दाना भी हमें यूज करना है। नॉर्मली दिल्ली की साइड ये अनहर भी बोला जाता है तुअर को, गुजराती लोग तुअर ही बोलते हैं। तो ये तुअर का दाना हमने लेना है, और लिया है मैंने 250 ग्राम मटर, 250 ग्राम पापड़ी, 250 ग्राम तुअर का दाना और 250 ग्राम जितना मटर, तीनों को मैंने पानी में आधे घंटे पहले ही सोक करके रखा है। ये है, उसके साथ मैंने लिया हुआ है 250 ग्राम बैगन, जिसको मैंने दो साइड कट कर लिया है, आप देख सकते हैं दोनों साइड से हम फिल कर सके ये हिसाब से मैंने कट किया है। और बेबी पोटेटोज है, बेबी पोटेटोज इसमें ज्यादा रहता है थोड़ा, मतलब पोटेटो सबको पसंद आता है, इसमें उंधिया में ज्यादा खाया जाता है पोटेटोज, तो बेबी पोटेटोज लिया है मैंने 500 ग्राम। उसके साथ बड़ा जुड़ी धनिया पत्ता, धनिया पत्ता को मैंने बारीक कट कर लिया है। उसके साथ है ये हरा लहसुन, अराउंड 300 ग्राम जितना हरा लहसुन लिया है, उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। वेजिटेबल्स में और लगेगा ये है कंद, जिसे हम रतालू भी बोलते हैं, ये इंग्लिश में इसको यम भी बोलते हैं, रतालू, यम, या तो फिर कंद, कोई भी आप यूज कर सकते हैं, मतलब तीनों चीज एक ही है जिसको हमने यूज करना है। इसको मैंने ऊपर से स्किन निकाल के अच्छे से वॉश करके फिर रखा है, लेकिन ये फ्रेंड्स चिपचिप रहेगा, बहुत चिपचिपाहट इसमें रहती है, इसके लिए इसके ऊपर हम आधा चम्मच जितना नमक स्प्रिंकल करके रखेंगे तो ये चिपचिप नहीं रहेगा। इसके साथ हमने लिया है बनाना, अच्छा पक्का वाला बनाना लेना है, तो 4 बनाना मैंने लिया है। मुठड़ी रेडी करके रखा है मैंने, मुठड़ी है जो मेथी, बेसन, रवा और गेहूं के आटे से बनाया जाता है, जिसमें गेहूं का आटा और रवा का क्वांटिटी ज्यादा रहता है, बेसन का क्वांटिटी एकदम कम ही रहता है। तो ये मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है मुठड़ी का, तो फ्रेंड्स वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये है एक नारियल, नारियल जो है वो लिया है, उसको मैंने मिक्सी में ग्रेट कर लिया है। मिक्सर जार में आप उतना ही चलाइए जब तक उसका दूध ना निकले, फ्रेंड्स उसको सूखा ही रखना है, अगर इसमें से एक बार दूध निकल गया, पानी हो गया, तो अपना उंधिया स्पॉइल हो सकता है।
सूखा लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है। अराउंड मैंने 50 ग्राम जितना सूखा लहसुन लिया है और 4 to 5 ग्रीन चिली लिया है तीखा वाला, जिसे मैंने मिक्सर जार में पेस्ट कर लिया है। उसके साथ है 2 नींबू का रस जो मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया है। तड़के के लिए अजवाइन और हींग, और उसमें सूखे मसाले जो भी डाले जाएंगे उसमें है नमक, 3 शुगर, शुगर लिया है मैंने अराउंड 6 से 7 चम्मच, जो खट्टा मीठा टेस्ट रहेगा उंधिया का, सुरती स्टाइल से बना रहे हैं इसलिए खट्टा मीठा टेस्ट रहता है उंधिया का। नमक है, नमक लिया है मैंने 3 चम्मच, तिल लिया है मैंने 2 चम्मच, और थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, बादाम, खजूर, बादाम है और काजू है, काजू लिए है मैंने, और किशमिश, किशमिश अराउंड आप ले सकते हैं 50 ग्राम जितना, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम काजू। अभी हम सबसे पहले उंधिया का मसाला बनाते हैं। उंधिया का मसाला प्रिपेयर करने के लिए हम जो भी हमने भाजी वगैरह लिया है, धनिया पत्ता, इसे मैंने अच्छे से वॉश करके सूखा कर दिया है। उसके बाद मैंने लिया है धनिया पत्ता, और उसके साथ काटा हुआ लहसुन भी सभी ऐड कर देना है इसमें। सारे सूखे मसाले और ड्राई फ्रूट हम सभी इसके अंदर ही ऐड कर देंगे। किशमिश, काजू और बादाम टोटली ऑप्शनल है, सूरती उंधिया में नॉर्मली नहीं डाले जाते, लेकिन मुझे घर में और मुझे इसका टेस्ट पसंद आता है इसके लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं। आप भी ट्राई करके देखिए। शुगर, गरम मसाला और नमक सभी साथ में ऐड कर देंगे। लहसुन और मिर्ची का पेस्ट है वो भी हम ऐड कर देंगे साथ में ही। नींबू का रस वो भी, और नारियल, हम सभी चीज को इकट्ठा कर लेंगे। ये सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद हम इसे हाथ से ही मिक्स करेंगे। ये प्रॉपर मिक्स हो गया है। इसके अंदर हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और ऊपर से जो हमने मुठड़ी बनाया है वो मुठड़ी जो फ्राई जिस तेल में फ्राई किया है वही तेल हम यूज करेंगे। उंधिया बनाने में भी वही तेल यूज करेंगे और मसाले में ऊपर से डालने के लिए भी वही तेल यूज करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच तेल, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला जो है वो रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं हमने वेजिटेबल में और कोई मसाला बाकी नहीं रखा है, सब मसाला हमने इसमें ही डाला है। नमक है या उसका स्वीट टेस्ट है या तो सॉल्टी टेस्ट है, जो भी है हम इसमें ही डालते हैं, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, नमक या तो फिर और कोई मसाला। तो ये मसाले को अभी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक पार्ट रहेगा फिलिंग का, ये साइड कर दिया है हमने, और ये जो बाकी मसाला है उसमें हम जो भी दाना वगैरह है, पापड़ी है, बेबी पोटैटोज है और कंद है, उसे हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ये पापड़ी, तुअर का दाना और मटर का जो मैंने भिगो के रखा था वो सब हम ये मसाले में ऐड करेंगे। ये भी हमने इसमें डाल दिया है। ये जो हमारा बैगन है जिसे हम फिल करने वाले हैं मसाला,
तो उसे हम पहले पानी से साइड में निकाल लेंगे। और जो पोटैटोज हैं उसको हम यही मसाले में डाल देंगे। उसके साथ ये कन पर्पल याम जो हमने यूज किया है वो, अभी सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है वो पूरे अच्छे से कोट हो जाए। अभी हम बैगन को फिल कर लेते हैं। बैगन को बीच में हल्का हल्का फिल कर लेना है। ये सारे बैगन हमने फिल कर लिए हैं। अभी हम बनाना फिल करेंगे। बनाना अच्छे से वॉश कर लिया है और उसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और बीच में से एक कट लगाएंगे। बीच से कट लगाने से वो अच्छे से खिलेगा, खुल जाएगा, लेकिन पूरा ओपन नहीं होगा। हमें ध्यान रखना है कि पूरा बनाना जो है वो फट ना जाए। बस अभी इसके अंदर हम हल्का हल्का मसाला जो है वो फिल कर देंगे। फ्रेंड्स, हम बहुत से लोग इंडिया में कच्चा बनाना यूज करते हैं। मैं पक्का वाला बनाना यूज करती हूँ बिकॉज कुक होने के बाद इसका जो अरोमा है वो जो रिलीज होता है और इंडिया का टेस्ट ये बहुत ही इंक्रीज करता है। तो जो भी कच्चा बनाना यूज करते हैं एक बार प्लीज ट्राई कीजिएगा पक्के बनाने के साथ, बहुत मजा आएगा। ये हमारा सारा वेजिटेबल्स जो है वो रेडी हो गया है उंधिया के लिए। जो भी मसाला बचा है वो हम यही सब्जी में ऐड कर देंगे। और बस अभी इसका तड़का देने का टाइम है, तो हम रेडी करते हैं तड़के के लिए कुकर। कुकर में हमने जो तेल मुठड़ी फ्राई करने के लिए यूज किया था वही तेल यूज करना है। इसके अंदर मेथी के साथ फ्राई हुआ है मुठड़ी, तो मेथी का जो भी टेस्ट है वो तेल ने ले लिया है। तो फ्रेंड्स, यही तेल यूज कीजिए, बहुत मजा आएगा। अराउंड 5 से 6 बड़े चम्मच मैंने तेल लिया है। उंधिया में तेल ज्यादा ही लगता है। उसके साथ अभी हम ऐड करेंगे अजवायन। अजवायन हम तड़के में डालते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी दाने वाली सब्जी यूज की है, तुअर है और पापड़ी है, जो पचने में थोड़ा हैवी रहता है, डाइजेस्टिव वो कम होती है, इसके लिए हम अजवायन यूज करते हैं ताकि उससे कोई और प्रॉब्लम ना हो। अजवाइन अच्छे से फूटने के बाद हम हींग डालते हैं। हींग अराउंड 3/4 टेबल स्पून और फिर सारे वेजिटेबल्स हम इसमें ऐड कर देते हैं। एक बार ऐड होने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो तेल है वो सब जगह अच्छे से पहुंच जाए। फ्रेंड्स, ये जो हमने लेयर बनाया है वो है जल्दी ना पकने वाला, मतलब जो तुअर है, पापड़ी है और मटर का दाना है जो जल्दी पकेगा नहीं, जल्दी बॉईल नहीं होगा। इसके लिए हमने सबसे नीचे लेयर रखा है, उसके ऊपर जो जल्दी पक जाता है वैसा बैगन और बनाना का लेयर बनाएंगे। उसके बाद इसे हिलाना नहीं है,
मिक्स नहीं करना है उंधिया को, जब भी हमारा ये लेयर कंप्लीट हो गया तभी। सारे बैगन ऐड कर दिए हैं मैंने और ऊपर से बनाना भी ऐड कर देंगे। बनाना आप बाद में भी डाल सकते हैं, तो मैं अभी 3 से 4 बनाना ऐड करती हूँ और उसके बाद जब भी ये कुकर खुलेगा, जब भी उंधिया गरम गरम रहेगा तभी हम बनाना बाकी के ऐड करेंगे ताकि वो एकदम मैश ना हो जाए। और ये लास्ट लेयर है मुठड़ी का, मुठड़ी भी ऐसा ही है, आप साथ में एक साथ में सभी ऐड कर सकते हो या तो फिर कुकर ओपन होने के बाद भी आधा ऐड करो आधा अभी ऐड करो तो भी चलेगा। तो हमने वैसे ही किया है, आधा मुठड़ी अभी ऐड किया है, बाकी का आधा हम जब भी कुकर ओपन होगा पक जाएगा उसके बाद में। उंधिया के अंदर हम पानी ऐड करेंगे, बड़ा वाला 3 ग्लास, ऐसे वाले मैंने बड़े वाले 3 ग्लास लिए हैं, जिसे मैंने जो मसाला ऐड किया था मिक्स किया था वो बर्तन में निकाल के सारा मिक्स करके हम पानी ऐड कर देते हैं ताकि जो बचा कुचा मसाला है वो भी अच्छे से ऐड हो जाए। बस अभी हमारा उंधिया पकने के लिए रेडी है, इसे हम कवर करेंगे कुकर के ढक्कन से और 4 विसल तक इसे हम कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा कुकर टोटली ठंडा हो गया है और उसका जो प्रेशर है वो सब निकल गया है, तो हम कुकर ओपन करते हैं और हमारा जो रेडी हो गया है वो उंधिया सर्व करते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, एकदम से ही पक गया है उंधिया और एकदम डाइल्यूट भी हो गया है, घुल भी गया है अच्छे से। तो फ्रेंड्स सर्व करते हैं इसे। तो फ्रेंड्स बस सर्व करते हैं हम। तो फ्रेंड्स रेडी है हमारा गर्मा गर्म उंधिया, सूरती उंधिया है। इसके ऊपर हम मेथी जो फ्राई किया हुआ है उससे हम हल्का सा गार्निश कर लेंगे। इसके ऊपर आप बारीक सेव डाल के भी खा सकते हैं, इसे जलेबी के साथ खाइए, बहुत मजा आएगा, तीखा तीखा उंधिया और साथ में मीठा मीठा जलेबी। फ्रेंड्स ये है मेरी न्यू ईयर की फर्स्ट रेसिपी, इसके साथ मैं आपको विश करती हूँ हैप्पी न्यू ईयर एंड देखते रहिए मेरा चैनल। अगली सारी रेसिपीज के लिए प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल धरतीस रेसिपी और बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे ऐसे ही वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।